पाटिल के आंदोलन को बीजेपी ने दिया समर्थन, दशरथ भगत ने दी भेंट, पांचवें दिन भी नहीं हिला हरडीलिया प्रबंधन। हरडीलिया कंपनी के गेट पर पांच दिनों से अनशन पर बैठे सूरज पाटिल की सेहत बिगड़ने लगी है। हालांकि फिर भी हरडीलिया प्रबंधन टस से मस होता नहीं दिख रहा है। आज दशरथ भगत समेत कई बीजेपी नेताओं ने कुक्षेत गांव के बेरोजगार युवाओं के लिए चलाए जा रहे इस आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए सूरज पाटिल से मुलाकात की। दशरथ भगत ने कहा स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलना ही चाहिए। वहीं सूरज पाटिल ने कहा कि जब तक हरडीलिया कंपनी लिखित आश्वासन नहीं देती तब तक वे गेट पर भूख हड़ताल जारी रखेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। ना कोई शासन का आदमी इधर आया है, ना कोई कंपनी का आदमी इधर आया है। मतलब आम जनता रास्ते पे मरे चाहे कुछ भी हो जाए, ये सरकार को कुछ पड़ी नहीं है। बात के लिए सिर्फ उद्धव साहब बोलते भूमि पत्र के साथ, मराठी आदमी के साथ। सबसे ज़्यादा अन्याय तो यही लोग कर रहे हैं। आज इनको निवेदन देके हो चुका है, उसके बाद उपोषण का निवेदन भी गया है। कंपनी अगर मीटिंग भी नहीं करती तो इसका फेलर हम लोगों का नहीं है। महाराष्ट्र में भूमिपुत्र के ऊपर अगर ये हालत आ रही है, सरकार किसकी बेटी है, तो उन्होंने सोचना चाहिए कि आप कहाँ तक हो। आपके जिलाधिकारी को निवेदन गया है, वो कहाँ है, उनकी तरफ से मैनेजमेंट को बोलने वाले कहाँ है, MIDC ऑफिसर्स कहाँ है। तो ये नैतिक जवाबदारी ये अभी कंपनी की सिर्फ नहीं रही, ये महाराष्ट्र शासन की भी रही। अगर कम ज़्यादा होता है तो उसकी जवाबदार ये महाराष्ट्र शासन भी है, जितनी जवाबदार ये कंपनी व्यवस्थापन रहेगी। यहाँ महानगर पालिका की एम्बुलेंस आती है डॉक्टर चेक करने के, जिंदा है कि मर गया है। ऐसे सरकार से क्या अपेक्षा रखे। तब जाके फिर एक राज्यपाल जी है कि उनकी गुहार लगा के देखते हैं। वहाँ से अगर राज्यपाल जी मीटिंग देते हैं तो निश्चित तौर पे कुछ निर्णय लेंगे। इसीलिए हम राज्यपाल जी के पास जाने का सोच रहे हैं। अगर मेरे लाइफ को कुछ होता है या फिर मेरे ग्रामस्थों की तरफ से कुछ कायदा सुव्यवस्था बिगड़ती है तो निश्चित तौर पे इसके लिए महाराष्ट्र शासन और ये कंपनी व्यवस्थापन जवाबदार रहे। भूख हड़ताल पर बैठे सूरज पाटिल का दावा है कि 2016 में हरडीलिया केमिकल कंपनी ने नौकरी देने का लिखित आश्वासन दिया था, लेकिन 2018 में वैकेंसी निकलने पर स्थानीय युवाओं को जानबूझकर नौकरी से बेदखल कर दिया गया। नियमों के अनुसार स्थानीय युवाओं को नौकरी देने का प्रावधान है। ग्रामीण चाहते हैं कि रिटायर कर्मचारियों के बच्चों और कुक्षेत के बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिले। फिलहाल सूरज पाटिल की बिगड़ती सेहत को लेकर कुक्षेत के ग्रामीण चिंतित हैं, जिससे हरडीलिया कंपनी के खिलाफ उनका आक्रोश बढ़ने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।